उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई मासूमों की मौत के बाद देश भर में योगी सरकार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते जौनपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए सी सिराज मेहंदी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के की मांग की। आज पूरे सूबे में कई दिन से राज बब्बर जी लखनऊ बैठ रहे हैं, हम भी उनके साथ लखनऊ बैठे थे धरने पर। हम लोग गांधी जी के मौन मौन जुलूस है, कोई हम ना नारा लगा रहे हैं, ना हम कोई जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, ना हम कुछ कह रहे हैं। हम खाली गांधी जी सामने उनका उनकी धुन जो है वो गा करके हम एक सबक देना चाहते हैं सरकार को कि सुधरो, समाज में आओ, इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप एक तरफ हत्या करवा दो और दूसरे उसे स्वीकार न करो। हम लोगों की मांग है कि मंत्री तुरंत बर्खास्त होने चाहिए, योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच मौजूदा जज जो हो हाई कोर्ट का उसके कराई जाए। कि चीफ सेक्रेटरी क्या जांच करेंगे, कमिश्नर क्या जांच करेंगे, सरकार अगर क्राइम करा रही है तो उन्हीं सरकारी जांच करेंगे। ये जांच नहीं हो सकती, जांच या तो सीबीआई करे या हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराई जाए और जो बच्चे मरे हैं उनके घर के लोगों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।